नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फाइबर की केबल, जो कि गाइस में बहुत ही कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लेके आया हूँ आपके लिए पूरा बंडल, जो कि ये सीधे मुझे जो मिलता है वो मिलता है डायरेक्ट फायरबॉक्स से लेके और राउटर के इस पिन तक। डेट मीन्स आप समझ गए होंगे इसका मतलब। और ये गाइस जो लोकल फाइबर होते हैं, लोकल में मैं एयरटेल को भी लूंगा, बहुत सारी कंपनियों को लूंगा जो कि वो डायरेक्टली फाइबर नहीं डालती है, एक ब्लैक सा वायर लेके आती हैं और फिर उसमें ज्वाइंटर लगाती हैं, मतलब जो मशीन होती है फाइबर को कनेक्ट करने वाली, एक फिर काटेगी इसे बीच में, मतलब वो दो बना लेते हैं, एक के वो चालू होते हैं जो राउटर के साथ फ्री मिलता है, उसका क्या करते हैं, एक काटते हैं फिर एक ज्वाइंटर लगा देते हैं, बीच में डिब्बा लगा देते हैं। जिन्होंने लगा रखा होगा वो इजिली रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी थिंग से। और डिब्बे के बाद वो एक इसमें से काट के फाइबर दे देते हैं, और उसका भी उनसे पूछना कि यार तुम्हारे पास ये अलग से हम लें तो कितने की है, तो वो फटाके से बोलेंगे अरे भाई साहब बहुत महंगी आती है ये, 300 साढ़े 300 रुपए की आती है। ये नहीं बोलेंगे कि डिब्बे के साथ फ्री मिलती है, क्योंकि वो बोलेंगे तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और इस बहाने वो थोड़े से पैसे ऐड लेते हैं। बट जियो का गाइस मतलब फायर बॉक्स से लेके बात करूं मैं आपके राउटर तक कोई भी मशीनरी का यूज नहीं होता, कोई सही वायर है गाइस, इलेक्ट्रिसिटी वायर हो या फाइबर हो या इथरनेट केबल हो, कोई सी वायर हो जिसमें जितने ज्वाइंट पड़ते हैं उतनी पावर कम आती है और फिर जो यूटिलिटी है ना जो हमें प्रॉपर चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। तो गाइस इसे मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा कि जियो इसमें क्यों नहीं मशीनरी का यूज करता और उसकी केबल में क्या स्पेशली चीज है कि वो इतनी आसानी से टूटती नहीं या खराब नहीं होती, और इन फाइबर में क्या है जो इजिली टूट जाती है खराब हो जाती है। तो गाइस बाया ट्यूटोरियल ज्यादा अच्छा रहेगा, और गाइस ट्यूटोरियल पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो गाइस अब सीधे ट्यूटोरियल पे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारी दो केबल हैं जो कि ये एयरटेल या लोकल ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, इस टाइप की फाइबर जो कि एक पूरी लेंथ होती है, आपने शुरू में वीडियो में देखा ये फाइबर की है जियो की, जो कि गाइस ये पूरी लेंथ मतलब पोल से लेके राउटर तक जिसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता, कोई भी बॉक्स में लगाया जाता कुछ नहीं, ना कोई मशीन का यूज होता है, सिर्फ वायर। तो गाइस सबसे पहले जियो की खोलते हैं, लोकल तो लोकल ही है, उसकी ब्रांडेड दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पीछे खोलने के लिए एक स्विच दिया जाता है, वो स्क्रू दिया जाता है, यहाँ पे गाइस हमने खोल ली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि ये टाइट होता है तो ये पकड़ के रखता है फाइबर को, और यहाँ पे ये गाइस मैं मतलब यही दिखाना चाह रहा था आपको, आपने देखा ध्यान से तो शायद आपने देख लिया होगा, तो एक ब्लू कलर की मतलब मेरे पास कि ये इस पे ब्लू वाला कवर है गाइस, और ये जो है पूरा छील रखा है, तो यहाँ पे हम आपको और छील के दिखाएंगे, बट मैं इसकी लेंथ दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रेक कर रखी थी इन्होंने, तो इसे थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा देंगे तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हम क्या करते हैं हम हमेशा एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं, तो हम इसे और काट के जीरो कर देते हैं पहले। ये तो मैंने यहाँ पे ये काट दिए फाइबर, और इसके अंदर और क्या खोल सकते हैं हम, तो गाइस कुछ नहीं खोल सकते, बस यही था। और यहाँ पे गाइस आप देखेंगे मतलब गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा होल है पतला सा, जिसमें आप डायरेक्टली फाइबर डाल सकते हो, यहाँ पे चली जाती है। लेकिन लोकल फाइबर में क्या होता है ये सब कुछ परमानेंट होता है। अभी मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा इसका, तो यहाँ पे हम छील लेते हैं और तो यहाँ पे ये जो है फायर को स्ट्रांग बना के रखती हैं दोनों चीजें, और इसे काट लेते हैं हमारे पास। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जियो के बारे में, जो कि गाइस ये आप केबल देख रहे हैं, ये पहले हमें BSNL की लाइन जो आती है टेलीफोन वाली, जिससे हम नेट भी चला पाते थे, कॉपर की लाइन होती थी उस तरीके की याद दिलवाती है, बट जो इसकी दो सपोर्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और बात करें मिडिल फाइबर की, जो कि गाइस ब्लू कलर की है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है कलर में, जैसे कि ब्लैक लगाने के बाद क्लियर दिख रही है, बहुत हार्ड है एज कम्पेरिजन बात करूँ तो, ये जो एयरटेल वेटल वाले लेके आ गए फर्जी फाइबर केबल उससे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाइज बात करें तो। यहाँ पे इसे पूरा मैकेनिज्म खोलने की जरूरत नहीं होती, ग्रीन वाले के अंदर मतलब मिडल वाला जो व्हाइट लेजर को आउट करता है वो उसके अंदर होलो है पिंच है, तो यहाँ पे हम इसे फाइबर को काट लेते हैं कि टेम्परेरी रूप से बाहर निकाल भी सकते हो, परमानेंट बन भी जाती है। परमानेंट कैसे बन जाएगी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्लिप है कि इस फाइबर को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, तो यहाँ पे बिल्कुल साइज करेक्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मिडल जो
टॉप फ्रंट है उसे छीन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कवर हुआ होता है कोट, ब्लू कलर की कोट से कवर हुई थी, तो यहाँ पे जैसे ही इसकी कवरिंग हटेगी तो आप देख पाएंगे इजिली कि ब्लू कलर की जो कोटिंग है वो हटने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ से अब लेजर निकल सकती है। और तो इसे थोड़ा सा और साफ कर लेंगे कपड़े से, तो पॉसिबल हो तो साफ कपड़े से, मैंने गंदे कपड़े से साफ किया है। और यहाँ पे हम इसके मिडिल सेक्शन में होल है, बहुत छोटा सा है तो सिर्फ फाइबर ही जा पाए, तो वहाँ पे हम ये फाइबर इजिली डाल देंगे। तो यहाँ पे कोई, मैं नहीं मानता हूँ कि स्पेशली कोई टेक्निकल की जरूरत है। तो यहाँ पे गाइज ये पोर्शन सबसे अच्छा है कि ये जैसे जैसे कसता रहेगा वो फाइबर को पकड़ लेगा, और गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने पूरी तरीके से पकड़ टाइट कर दिया, और गाइस यहाँ पे मैं खींचने की या कुछ भी करने की कोशिश करूंगा तो नहीं निकली थी, और सब झटके वटके सब मार के देखे केबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब डाउट आता है यार शायद अंदर से निकल गई हो, तो यहाँ पे गाइस खुलने में भी प्रॉब्लम कर रहा था बट खुल गया था, और मैंने बहुत ही हल्के से ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे वायर ढीली हो सकती थी, तो लेकिन बात करूँ तो वायर पे अब भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से पकड़ थी। तो गाइस अब बात करें कि यहाँ पे इसे टेम्परेरी या परमानेंट फेस में भी हम यूज कर पाते हैं, और यहाँ से लेजर निकलती है गाइस जो कि राउटर को कनेक्ट करती है। अब गाइस बात करते हैं ये जो एयरटेल या लोकल है, तो आपने देखा होगा येलो कलर की केबल लगाते हैं, तो गाइस ये परमानेंट सोल्यूशन है किसी भी चीज का, फाइबर से रिलेटेड बात करूँ तो। इसमें आपको क्या होता है जैसे कि पीछे वाला कवर आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। और बात करें ये जो प्लास्टिक होता है येलो कलर का, उसके लिए भी एक वो दे रखा होता है कवर टाइप का जिसे पकड़ के रखता है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास टाइम नहीं लगता है। और क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अभी आप वीडियो देखेंगे डिस्कशन करेंगे उसे हम लेके, तो यहाँ पे ये कवर के लिए जो कि प्लास्टिक का कवर है येलो कलर का, और इसमें बहुत छोटे छोटे महीन फाइबर होते हैं जो कि गाइस सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, बट वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि फाइबर को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोड़ पा रहा हूँ इजिली, बट जियो के जो फाइबर थे आपने देखा होगा वो इजिली मोड़ भी नहीं रही थी। यहाँ पे मैं 90 क्या गाइस मैं बिल्कुल ही 0 डिग्री पे भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि दोनों के पॉइंट मिला दे तो 360 डिग्री, और 20 का जो गैप होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, उस कंडीशन तक इसे मूवमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस इसे शहीद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे नहीं काटूंगा तो ये आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं कि इसके अंदर एक्चुअली कौन सा मैकेनिज्म। ये गाइस ये जो कवर है ना सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट करता और कुछ नहीं करता, और इसलिए इसका काटने के अलावा हमारे को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं इसे पूरा निकाल लूँ, चाहूँ तो पीछे से निकाल भी सकते थे बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसे तोड़ना ही जाता बेहतर, तभी आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तब भी नहीं निकलता प्रॉपर तरीके से जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस बात करें तो ये येलो कवर निकल गया। अब गाइस इसे फाइबर को पकड़ने के लिए देख रहे होंगे, तो जहाँ मैं उंगली से पकड़ रहा हूँ वहाँ पे इसके बीच वाले फाइबर जो है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं वो, और यहाँ पे हम इसका ढक्कन निकाल लेते हैं और जो कि इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ये आता है गाइस फाइबर जो कि ये व्हाइट कलर की मोटी फाइबर, ये गाइस ये कवर है मोटा, बस फाइबर बहुत ज्यादा बारीक है बाल जैसी, और एक स्प्रिंग दे रखा है जो कि आगे पीछे भी मैं आपको यूज भी दिखाऊंगा इसका कि कैसे इसे आगे पीछे कर लिया जाता है इजिली। और सबसे अच्छी बात गाइस ये होती है कि इस जैसे ये स्प्रिंग देख रहे हैं ये फाइबर है, और इसमें भी गाइस फाइबर जो है वो ऐसी जैसे मैंने जियो में डाली थी वैसी डाली होगी, बट इसमें ग्लू चिपका दिया है कि इसे परमानेंट कर दिया और डस्ट नहीं जा सकती। उसमें गाइस थोड़ा सा ये डाउट है कि डस्ट जा सकती, बट यह है कि वो इतनी अच्छी तरीके से कवर हो जाता है कि उसमें एयर नहीं जाती या डस्ट नहीं जा सकती, और वो भी राउटर के पास लगता है, और जो उनका फायर बॉक्स है वहाँ पे वो स्प्लिटर का यूज करते हैं तो वो भी वहाँ पे भी जैक लगाते हैं, इनकी तरह कनेक्शन नहीं करते मशीन से। तो गाइस बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है उस चीज का। और यहाँ पे अब प्रॉब्लम आई कि इसे हम क्या पूरा खोलने के बाद जियो की पोर्ट की तरह इसे वापिस कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है गाइस, ऐसा नहीं कहूँगा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, और क्योंकि इसका कवर पैक करना ये इस तरीके से मैंने कर दिया था, बट मुझे ज़्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं था इसे जोड़ने के बाद। और बात करें यहाँ पे अब ये था कि इसका कवर ज़्यादा ऊपर तक चढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऊपर तक नहीं चढ़ाऊंगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ तक चढ़ाने के बाद अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं आगे वाला बीम, अभी सर राउटर में कैसे कनेक्ट करेंगे ये भी प्रॉब्लम है, तो जियो का राउटर है गाइज मेरे पास, तो यहाँ पे
डायरेक्टली राउटर कनेक्शन में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे बीच में ये लेजर बीम जाने का स्पेशल होल होता है, तो वहीं पे आप डाल के इसे बहुत अच्छे तरीके से पुश कर देते तो आप डायरेक्टली फाइबर कनेक्ट कर पाएंगे। अब आता है इसे निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे पूरी फाइबर, तो गाइस फाइबर इतनी आसानी से टूटती नहीं है बहरहाल, लेकिन मतलब एयरटेल का या लोकल फाइबर है आपके पास तो कृपया आप बुला के उसे ठीक करवा लें जैक को, ऐसे तोड़ के ना रखें। और गाइज बाकी यही कुछ है, बाकी आगे वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा फाइनली इनका मैंने क्या किया, पूरी डिटेलिंग दिखाई कि इसके अंदर क्या होता है और इसे कैसे प्रॉपर तरीके से खोल सकते हैं, और गाइज क्या डिफरेंस होता है आप समझ ही गए कि क्यों स्ट्रेंथ मिलती है। और जो बीच में फाइबर होते हैं जो कि एक BSNL की लाइन होती थी पहले जो मिलती थी, उस टाइप की स्ट्रांगनेस देती है और फाइबर, और इसमें कोई मशीनरी का यूज नहीं होता कि जरूरी है कि मैं पूरी 15-20 किलो की मशीन लेके भागू ठीक करने के लिए। डजन मैटर पर गाइस, डायरेक्ट फायर बॉक्स और फायर बॉक्स तक जो केबल आती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और गाइस यही था मेरा मेन मोटो बताना कि आपको बता पाऊं कि इन दोनों फाइबरों में क्या डिफरेंस है जो कि इतना पैसा लगा के इन्वेस्ट कर रहा है जियो और अनदर उसका प्रॉफिट उठा के एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।